हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ हीमेचूरिया। हीमेचूरिया मीन्स ब्लड इन यूरिन। बहुत सारे पेशेंट्स को इस तरीके की परेशानी होती है कि उनके यूरिन में ब्लड जो है ना देखने को मिलता है। ब्लड मीन्स ऐसा है कि उनका यूरिन का कलर थोड़ा थोड़ा रेडी जैसा और डार्क रेड इस कलर का देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत सारे परेशान हो जाते हैं। इस तरह के पेशेंट हमको देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो ये इसके कॉज की। तो हीमेचूरिया का एक कॉज हो सकता है कि वो इस रिनल स्टोन एक बहुत बड़ा कारण है हीमेचूरिया के। भाई उसके किडनी में या यूरिनरी ट्रैक में अगर कभी स्टोन है तो उस वजह से हीमेचूरिया देखने को मिलता है। या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन थिंग है इसमें कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर कभी यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है तो उस वजह से हीमेचूरिया आमतौर पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो भाई हम बात करेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा अगर हीमेचूरिया है तो हीमेचूरिया में पेन भी होता है, पेशाब में जलन होती है। तो इसके लिए हम सायरप ऐड करेंगे, सिटाल सायरप को 1 TSP इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास वाटर में वन टी स्पून हम सिटाल सायरप को ऐड करके हम उसको पिलाएंगे। हम आमतौर पे जो सायरप पिलाई जाती है वो डायरेक्टली ओरल पिलाई जाती है, लेकिन सिटाल को 1 ग्लास वाटर में ऐड करके उसको डाइल्यूट करके पिलाएं, क्योंकि अगर कभी आप डायरेक्टली उसको पिला देंगे तो वोमिटिंग हो जाएंगी और फिर वो पचेंगे नहीं। इस वजह से आप सिटाल को 1 ग्लास ऑफ वाटर में ऐड करके पिलाएं। अच्छा, ये एक क्या करेंगे, ये एज अ अल्कलाइजर, मतलब जो आपका यूरिन रहता है वो यूरिन एसिडिक रहता है। तरीके से तो मतलब हम अगर कभी इन्फेक्शन है तो इसलिए उस पर अल्कलाइजर डाल देंगे, ताकि जो निका अल्कलाइन डाल देंगे, क्योंकि वैसे एसिड बेस न्यूट्रल हो जाए और जो निका जो पेन हो रहा है वो पेन जो इनके ओवरकम हो जाए। उसके बाद में जब यूरिनरी ट्रैक की अगर बात करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन हो सकता है कि बैक्टीरियल हो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम ऐड करेंगे टैबलेट ऑफ्लॉक्स। ऑफ्लॉक्स के अंदर ऑफ्लॉक्सासिन की वजह से ये एज अ एंटीबायोटिक ऐड करेगा और जो है ना जो इन्फेक्शन है उसको जो है ओवरकम करेगा। ओके, उसके बाद में टैबलेट पॉज। अगर कभी हीमेचूरिया अगर कभी ज़्यादा होती है तो मतलब ब्लीडिंग अगर ज़्यादा होती है तो कहीं भी ब्लीडिंग अगर हो तो हम टैबलेट ऐड करते हैं पॉज। पॉज टैबलेट 500 mg इसको ऐड करेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि भाई जो है ना पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो टैबलेट जीरोडॉल इस्पास हम ऐड करेंगे, ताकि पेन जो है ना ओवरकम हो। अब एडवाइस की अगर बात करेंगे तो एडवाइस के अंदर हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी हम करेंगे। इससे ये पता ये लगेगा कि जो यूरिन है उसके अंदर आरबीसी है या कुछ और है, आरबीसी है या नहीं है, इसका हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी से हम पता लगाएंगे। उसके साथ में हम यूएसजी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी हम एब्डोमेन और पेल्विक का करवाएंगे। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एब्डोमिनल पेल्विक मतलब यूरिनरी ट्रैक में कहीं स्टोन का पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अगर स्टोन अगर दिखता है तो हो सकता है कि हीमेचूरिया भाई स्टोन की वजह से हो। अब यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी से अगर पता चलता है, मतलब इससे ये पता चलता है, मतलब ये हम ऐसा कहेंगे कि पहले हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करेंगे, उसके बाद में हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।